मिरर्स लगे हुए, ये रॉयल एनफील्ड का ही मिरर है, लेकिन ये रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरीज में आता है और आपको पूरा प्लेन सीट मिल जाता है। और सीट की कुशन भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल, आप लोग देख सकते हो राइडर एजेंट क्लियन के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी। सो इस गाड़ी में स्पेशली एक कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, विच इज़ AEW, तो उसका साउंड भी मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं गाड़ी को दिखा देता हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सामने से शुरू करते हैं, तो सामने यहाँ पर हेडलाइट को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हेलोजन का हेडलाइट मिलता है और आपका जो पार्किंग लाइट है वो LED पे है, ये छोटा सा पार्किंग लाइट है। और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में LED इंडिकेटर्स लगा हुआ है। और नीचे आए तो यहाँ पर सॉकर का कवर भी मिल जाता है, जो स्टॉक में कंपनी से लगा हुआ आता है, विच इज़ ए गुड थिंग। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और टायर्स तो आप लोग देख ही सकते हो, टायर्स आपको स्पोक व्हील मिलता है आगे पीछे दोनों तरफ, तो स्पोक व्हील मिलता है, तो इसके मतलब आप लोग जानते हो कि इस पर ट्यूब लगा हुआ है। और लेकिन इसका जो टायर है, टायर आपको ट्यूबलेस मिलता है। तो यहाँ पर आपको आगे की तरफ पीली के टायर्स मिलता है, यहाँ पर पीली लिखा हुआ है। और टायर सेक्शन की बात की जाए, टायर पर आपको 100x90 सेक्शन के टायर मिलता है, और ये 18 इंच की व्हील के साथ आता है, सामने का 18 इंच का व्हील है। और यहाँ पर लगा हुआ है जाना का क्रैश गार्ड, और जाना का क्रैश गार्ड का क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है, व्हील क्वालिटी आप लोग जानते हो कि जाना की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और हैंडल बार पे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, और ये थोड़ा सा लो सेट है क्लिप ऑन हैंडल बार, लेकिन उतना भी लो सेट नहीं है। और यहाँ पर बार एज मिरर भी मिलता है आपको, लेकिन ये जो मिरर्स लगे हुए, ये रॉयल एनफील्ड का ही मिरर है, लेकिन ये रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरीज में आता है। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक छोटा सा विंडशील्ड भी मिलता है, ये भी एक्सेसरीज में ही आता है, ये लगा हुआ है अलग से। इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल के साथ आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल पे आपको देख सकते हो कि ये एनालॉग डिजिटल का मिक्सिंग है, तो मैं इसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऑन ऐसे होता है, यहाँ पर आपके सारे वार्निंग्स की लाइट मिल जाता है। ये होगा आपका टैकोमीटर, तो ये होगा आपका टैकोमीटर विच इज़ RPM मीटर, ये होगा आपका स्पीडोमीटर, और इधर आपके फ्यूल का गेज है नीचे डिजिटल में, और इधर है ऑडोमीटर, और इस बटन को आप टॉगल करके आप T1, T2 ऑडो एक्सेस कर सकते हो। सो डैट इज़ आपको सब यही कुछ चीज़ें मिलती है। और तो टैंक की तरफ आते हैं, टैंक भी आपको पूरा का पूरे सॉलिड स्टील की टैंक मिलता है, यहाँ पर कोई प्लास्टिक का पार्ट नहीं है। टैंक की कैपेसिटी है आपका 12 लीटर, तो 12 लीटर के टैंक की कैपेसिटी है। तो सीट पे आए तो यहाँ पर आपको पूरा एक प्लेन सीट मिल जाता है, और सीट की कुशन भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल, आप लोग देख सकते हो राइडर एजेंट क्लियन के लिए। और इधर छोटा सा एक ग्रैब रेल भी है, और पीछे का बैकलाइट आपको हैलोजन मिलता है, नीचे का जो शॉकर है आपको नाइट्रोस गैस चार्ज शॉकर मिलता है। और पीछे का टायर सेक्शन की बात की जाए, तो पीछे का टायर आप लोग देख सकते हो 130x70 R80, तो पीछे का टायर भी 18 इंच का व्हील के साइज है पीछे का टायर। AEW की एग्जॉस्ट मिलता है, तो इसका साउंड भी मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। और गाइस, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे डिस्क मिलता है, और ये है जेबीएल के कैलिपर्स, गोल्डन कलर के कैलिपर्स मिलते हैं विथ स्टील ब्लेड लाइंस, और इसमें आपको आगे पीछे दोनों साइड डिस्क ब्रेक मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। तो पीछे का डिस्क भी आप लोग देख सकते हो, यह है पीछे का डिस्क विद वाइब्री कैलिपर्स, और गोल्डन कलर की कैलिपर्स है इसमें आपको मिलता है। तो आप आते इंजन की तरफ, तो इस गाड़ी में आपको पैरेलल टू इंजन मिलता है विद ऑयल कूल इंजन, तो यहाँ पर आपको ऑयल कूल का रेडिएटर भी मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है। और इंजन का
कैपेसिटी ऊपर आप लोग देख सकते हो कि मेंशन हो रहा होगा इंजन कैपेसिटी कितना बीएचपी कितना टॉर्क है। और गाड़ी का वेट है विच इज़ 202 केजी एंड गाड़ी का जो सीट हेड है विच इज़ 793 mm एंड गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ 174 mm। सो कमिंग टू द स्विच कास्टर, तो यहाँ पर आपको पास का बटन मिल जाता है, इधर हाई बीम लो बीम का बटन, उसके नीचे लेफ्ट राइट इंडिकेटर, नीचे हॉर्न और इस साइड है इंजन की स्विच का बटन और उसके नीचे है इसके नीचे इंजन स्टार्ट का बटन। यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड कार का लोगो भी मिल जाता है आपके क्लिप ऑन हैंडलबार के ऊपर। तो अब चलिए इस गाड़ी को स्टार्ट करके आपको AEW का जो एग्जॉस्ट नोट है उसको सुनाते हैं कि AEW का एग्जॉस्ट कितना बढ़िया इसमें साउंड देता है। तो चलिए गाइस आप इस गाड़ी को चला के भी दिखा देते हैं कि ये गाड़ी चलने में भी कैसा है। सो गाइस आप चलाते हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT को। सो गाइस गाड़ी के जो फूट पैक्स है वो स्लाइटली रियर सेट फूट पैक्स है और हैंडल बार तो आप देख सकते हो कि ये क्लिप ऑन हैंडल बार है और थोड़ा सा लोअर सेट है हैंडल बार, लेकिन उतना भी लोअर सेट नहीं है जितना आपको R15 में मिलता है, लेकिन लोअर सेट तो है भाई। और अगर सस्पेंशन की बात की जाए, सस्पेंशन सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, सस्पेंशन का ट्यूनिंग मिडिल पे है और सीट तो कंफर्टेबल है ही, सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। सो गाइस आप जब गाड़ी को लो स्पीड पे टर्न करोगे तब आपको गाड़ी का जो वेट है वो आपको हैंडल बार पे महसूस होगा। वैसे आप अगर इस पर हाईवे राइड करोगे या स्टेट रोड पे गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी का वेट आपको उतना महसूस नहीं होगा। एंड गाइस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, गाड़ी का गियर बॉक्स भी बहुत ही सॉफ्ट है, एक क्लिक पे गियर अप एंड डाउन हो जाता है और स्लीपर क्लच तो इसमें मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और हॉर्न की बात की जाए तो हॉर्न इज़ प्रीटी लाउड मैन। एंड कमिंग टू द वाइब्रेशन, तो गाड़ी में आपको ऐसा कुछ भी वाइब्रेशन नहीं मिलता। तो गाड़ी जब 5000 RPM क्रॉस करेगा तब आपको गाड़ी के फुट स्पीड पे स्लाइटली वाइब्रेशन मिलेगा। एंड गाड़ी का पिकअप तो बहुत ही बढ़िया है, इनिशियल पिकअप तो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी का। ओह मैन, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि 650 cc है और ऑयल कूल इंजन है, सो इसमें हीट होता है कि नहीं। सो हीट तो होता है, लेकिन KTM RC या KTM ड्यूक की तरह उतना हीट आपको फील नहीं होगा। गाइस रॉयल इनफील्ड इतना कम प्राइस में एक 650 cc आपको ऑफर कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और पावर भी इसमें आपको बहुत बढ़िया मिलता है, ऐसा नहीं कि पावर कम है, देख सकते हो आप लोग बहुत जल्दी इसका पावर पकड़ लेता है। अगर मैं आपको KTM ड्यूक खरीदने से कंपेयर करूँ तो उसके जैसा उतना एग्रेसिव पावर नहीं है, लेकिन पावर भी इसका बहुत बढ़िया है। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अंटिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट बॉक्स। सो बाय बाय एंड टेक केयर।